आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 11 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर फहराया जाएगा तिरंगा। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दी जानकारी। जिले के पिपराइज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार को 18 साल से ऊपर के लोगों को कोविड टीकाकरण के प्रिकॉशन डोज का पिपराइज विधायक एवं सीएमओ ने फीता काट कर किया उद्घाटन। कहा, 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों को अब किया जाएगा निःशुल्क टीकाकरण। छिहत्तर नौ प्रोन्नत नायब तहसीलदारों के प्रशिक्षण सत्र का मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने किया शुभारंभ। कहा, 4.5 महीनों तक नायब तहसीलदारों को दी जाएगी सभी तरह के प्रशिक्षण। पंद्रह अगस्त को जनपद के हर घरों पर तिरंगा फहराए जाने के संबंध में सीडीओ की अध्यक्षता में बैठक हुई संपन्न। कहा, देश प्रेम की भावना रखकर अभियान को सफल बनाने के लिए किया गया है निर्देशित। सोलह जुलाई से 22 जुलाई तक शुरू होने वाले जल संरक्षण अभियान को लेकर सीडीओ संजय कुमार मीना ने अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, हर घर जन जन तक जल पहुंचे, यही है शासन की प्राथमिकता। अभियान चलाकर जल संरक्षण के लिए किया जाए प्रचार प्रसार। नदियों की सफाई को लेकर एक निजी संगठन के द्वारा बैठक का किया गया आयोजन। अभियान चलाकर नदी पर बनाए गए घाट पर हो रही गंदगी पर की गई चर्चा। जनपद में चयनित 3 आकांक्षी ब्लॉकों के कार्यों को 100% पूरा कराए जाने को लेकर सीडीओ संजय कुमार मीना ने की बैठक। कहा, तीनों ब्लॉकों में सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा के कार्यों को करवाया जाए जल्द पूरा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता आंदोलन अथवा हर घर तिरंगा के विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र किया गया वितरित। कहा, कौशल से लैस करने के रणनीतिक महत्व पर केंद्रित है विश्व युवा कौशल दिवस। दीक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत शनिवार से 2 दिवसीय राम कथा पर आधारित कार्यक्रम का होगा शुभारंभ। दर्पण गोरखपुर के अध्यक्ष रविशंकर खरे ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। और भाइयों की कलाइयों पर सजाइए टेराकोटा की राखियां। सीएम योगी ने ओडीओपी में किया शामिल तो निरंतर हो रहे नवाचार। लगी टेराकोटा की राखियों की प्रदर्शनी। शिल्पकारों के पास पारंपरिक टेराकोटा उत्पादों की भी है भारी मांग।